पिता ने अपने 6 वर्ष के पुत्र को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। बच्चों ने बताया पिताजी सभी बच्चों को काटने वाले थे। जी हाँ, नमस्कार, केपी न्यूज के विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा आपके साथ। ये घटना सुबह 3 बजे की है, जहाँ राजकुमार ने घर का दरवाजा बंद करके अपने बच्चों को काट कर मारने की प्लानिंग करी। चित्रकूट जिले के माओ थाना क्षेत्र के ग्राम सकोहा मजरा दुबारी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक मानसिक रूप से अस्वस्थ पिता ने अपने 6 वर्षीय पुत्र की निर्मम हत्या कर दी। घटना के दौरान आरोपी राजकुमार ने अपने घर का दरवाजा बंद कर बच्चों की हत्या की योजना बनाई थी। हाथ में कुल्हाड़ी देखकर दो बच्चे दरवाजा खोलकर भागने में सफल रहे, लेकिन मासूम 6 वर्षीय बच्चा अपनी जान नहीं बचा सका और पिता ने उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने माऊ थाने में जानकारी दी। मौके पर क्षेत्र अधिकारी माऊ जयकरण सिंह, थाना प्रभारी माऊ विनोद कुमार राय और पुलिस बल ने पहुंचकर शव का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की मां ने बताया कि उसके पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसी कारण यह भयावह घटना हुई। इससे पहले भी आरोपी ने प्रशासन के सामने अपने घर में आग लगा दी थी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।